intake raw water system in the lecture. Steam power plant system के से संबंधित एक लेक्चर सीरीज तैयार की गई है। यह लेक्चर उसी का एक हिस्सा है। यह लेक्चर प्लांट को चलाने वाले और मेंटेन करने वाले स्टाफ के लिए उपयोगी हो सकता है। इनटेक रॉ वाटर सिस्टम। इस सिस्टम की शुरुआत इनटेक पंप हाउस से होती है, जहां पर इनटेक पंप लगाए जाते हैं। यह पंप हाउस या तो किसी नदी के किनारे या फिर किसी नहर के किनारे या फिर समुद्र के किनारे लगाया जाता है। यह डायग्राम इनटेक पंप हाउस का टॉप व्यू दिखाया जाता है और पंप हाउस के साथ साथ फोर बे भी दिखाई गई है, जहां से पंप हाउस को पानी सप्लाई किया जाता है। ये देखिए पंप हैं, ये देखिए गेट्स हैं और ये देखिए स्क्रीन्स हैं या बोलिए छलनी है। और फोर बे इस स्थान को कहते हैं। और ये हमने दिखाया है ट्रैश रैक। फ्लो का डायरेक्शन हमने एक एरो द्वारा दिखाया है। इसका मतलब ये है कि पानी यहाँ से दिखाई हुई दिशा में जाता है। यह डायग्राम पंप हाउस का सेक्शनल व्यू दिखाता है और साथ में फोर बे भी दिखाई गई है। यहाँ हम देख सकते हैं कि पानी का क्या लेवल है और पानी के फ्लो की डायरेक्शन भी दिखाई गई है। और ये रहा लगाए हुए पंपों में से एक पंप। अनुरोध, ये उम्मीद की जाती है कि यह लेक्चर सेशन आपके लिए उपयोगी होगा। कृपया लाइक बटन दबाएं, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस लेक्चर इज अवेलेबल इन इंग्लिश लैंग्वेज आल्सो। इनटेक रॉ वाटर सिस्टम। नदी या नहर अथवा समुद्र से बह के पानी फोर बे में आता है। रास्ते में एक ट्रैश रैक लगी हुई है। ट्रैश रैक का काम है कि पानी की सतह पे तैरती हुई सामग्री जैसे कि मुर्दा जानवरों के अस्थिपंजर, लकड़ी के लट्ठे या समुद्री जहाजों के टूटे हुए अंश
को फोर वे में जाने से रोकना। फोर वे से पानी सक्शन बेसिन पे पहुंचता है। हर एक पंप के लिए एक अलग सक्शन बेसिन बनाया जाता है, जहां से पंप अपना पानी खींचता है। पानी जो है पहले स्क्रीन से गुजरता है, फिर उसके बाद पंप के इनलेट गेट से होके पंप तक पहुंचता है। ट्रैश रैक से पास होके पानी पंप हाउस की तरफ चलता है। ट्रैश रैक से पास होने के बाद भी कुछ ना कुछ सामग्री पानी में तैरती रहती है या उतराती रहती है। उस सामग्री को स्क्रीन द्वारा कलेक्ट कर लिया जाता है, या समझिए कि स्क्रीन उसको अपने से पास नहीं होने देती। इसको हम ट्रैवलिंग वाटर स्क्रीन बोलते हैं, क्योंकि ये अपने स्थान से ऊपर की जा सकती है और नीचे की जा सकती है, ऊपर नीचे ट्रैवल या चल सकती है। पानी को साफ करते करते स्क्रीन जो है वो क्लॉग्ड हो जाती है, या कहिए कि उसके छेद बंद हो जाते हैं। तो उसको स्क्रीन को धोना जरूरी हो जाता है। स्क्रीन को धोने के लिए पानी के जेट्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके लिए पानी चाहिए हाई प्रेशर पे। यह पानी सप्लाई होता है स्क्रीन वॉश पंप द्वारा, और स्क्रीन वॉश पंप के लिए जो पानी लिया जाता है उसको लिया जाता है फोर बे के द्वारा। हर पंप को मेंटेनेंस की जरूरत होती है, तो मेंटेनेंस के समय पंप को आइसोलेट करना होता है। उसके लिए आइसोलेशन गेट लगाए जाते हैं, ताकि जिस पंप की मेंटेनेंस करनी हो उसके बेसिन को इस गेट द्वारा बंद कर दिया जाए, ताकि बेसिन में उतर के लोग पंप की मेंटेनेंस या रख रखाव कर सकें। हर पंप पानी लेता है फोर वे से और पंप द्वारा उसको पहुंचाता है रॉ वाटर स्टोरेज रिजर्वायर तक। तो रॉ वाटर के रिजर्वायर से फिर पानी और जगह पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है।
जैसे कि पानी चाहिए फायर वाटर स्टोरेज टैंक में, तो वहाँ पानी जो है रॉ वाटर स्टोरेज से जाएगा। फिर चाहिए आपको पानी कूलिंग टावर्स में, तो वहाँ भी पानी रॉ वाटर रिजर्वायर या स्टोरेज से जाएगा। फिर बॉयलर के लिए पानी चाहिए, तो उस पानी का पहले वाटर ट्रीटमेंट किया जाता है, तो उसके लिए भी पानी रॉ वाटर रिजर्वायर या टैंक से जाएगा। अनुरोध, ये उम्मीद की जाती है कि यह सेशन आपके लिए उपयोगी साबित हुआ। कृपया लाइक बटन दबाएं, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस लेक्चर इज अवेलेबल इन English language also.